दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद के खोरी गांव में बने मकान तोड़ने के आदेश के बाद वहां पहरा बढ़ा दिया गया। इस गांव के मकान वन विभाग की जमीन पर बने हैं। यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तोड़ने का आदेश दिया, जिसके बाद गांव के मकानों पर नोटिस चिपका दिया गया और वहां जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस का पहरा लगा दिया। खोरी गांव के लोग अपना मकान नहीं तोड़ने देने की बात पर अड़े हुए हैं और प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करने के मूड में है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने से पहले गांव की सीमाओं पर हरियाणा पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। खोरी गांव के जितने भी रास्ते हैं उन सभी रास्तों पे इस तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है। गांव के जो अंदर हैं उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं है, जो बाहर के लोग हैं उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इस गाँव में हजारों लोग रहते हैं, इसलिए उनके मकानों को तोड़ने से पहले प्रशासन ने पूरी सावधानी बरती और गांव को सील कर दिया। प्रशासन इस गांव से केवल उन्हीं लोगों को बाहर आने की इजाजत दे रहा है जो अपना मकान खाली करके निकल रहे हैं। वैसे अब तक गांव के किसी परिवार ने अपना मकान नहीं छोड़ा है, उल्टा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया और हाथों में बैनर लेकर सरकार से मांग की कि उन्हें बेघर न किया जाए। इन लोगों के चेहरे देखकर जाहिर हो गया कि आशियाना छिनने के डर ने इन लोगों को कितना बेबस कर दिया है। घर बनाने में अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा चुके इन लोगों को सूझ ही नहीं रहा कि वो करें तो करें क्या। कोई नहीं खाली किया है, अभी कोई नहीं खाली किया है, खाली करके जाएंगे कहाँ, रहना तो यही है। कुछ लोग अपना मकान बचाने के लिए जान देने के लिए तैयार दिखे। हम यही है, मार देंगे तो मर जाएंगे, घर तोड़ेंगे हमको मार देंगे। फरीदाबाद के खोरी गाँव की आबादी करीब 1,00,000 है और पिछले 30 साल से वहाँ सरकारी स्कूल भी चल रहा था, लेकिन अचानक आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से इन लोगों का बसा बसाया घर उजड़ने वाला है। सरकार की ओर से मकानों पर पहले ही नोटिस चिपकाया जा चुका है और अब इन मकानों को गिराने की तैयारी की जा रही है। ये जो घर है मेरे आसपास यहाँ पर देख सकते हैं, चारों तरफ इन घरों पर ही नोटिस चिपकाया गया था कि इन घरों को तोड़ा जाएगा। इस बीच इस मामले में सियासी पार्टियां भी कूद पड़ी। आम आदमी पार्टी ने गांव के लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की। हमने उस गांव के पुनर्वास की मांग की थी, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिख चुका हूं, राष्ट्रपति को मैंने मानवता के आधार पर लिखा। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने तो इस मामले में प्रदर्शन की तैयारी भी की थी और वो गांव के लोगों के साथ पैदल मार्च निकालने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उनका प्लान फेल कर दिया और उन्हें फरीदाबाद बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया और करीब 5 घंटे बाद सुशील गुप्ता को रिहा किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वो करीब 20 दिन से सरकार से गांव वालों की मदद करने की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली की सीमा पर बसा खोरी गांव करीब 40 साल पुराना है, जिसमें करीब 1,00,000 लोग रहते हैं, जिनमें ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों का मकान तोड़ने का आदेश इसलिए दिया क्योंकि वो सभी अवैध मकान और वन विभाग की जमीन पर बनाए गए। हरियाणा सरकार ने खोरी गांव को खाली करवाने का जिम्मा नगर निगम को सौंपा है, जो पूरी तैयारी से कार्रवाई करने वाला है। सौबात की एक बात यह कि फरीदाबाद का ये गांव अरावली की पहाड़ियों में है, जहां बने मकानों को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में गिराने का आदेश दिया था, जिसके बाद खोरी गांव में बिजली पानी की सप्लाई बंद कर दी गई और अब नगर निगम वहां बने घरों को जल्द से जल्द तोड़ना चाहता है। जबकि वहां रहने वाले करीब 40,000 लोग सवाल उठा रहे हैं कि घर बनाते समय ही उन्हें क्यों नहीं रोका गया।